हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू. आई एम पारुल एंड वेलकम टू VMA फैमिली. स्टूडेंट्स, टुडे आई एम इन फ्रंट ऑफ यू विद द न्यू इंग्लिश वीडियो विद न्यू इंग्लिश टॉपिक, दैट इज़ राइट टू वर्ड्स फ्रॉम गिवन लेटर्स. इज दैट क्लियर? आई विल रिपीट, राइट टू वर्ड्स फ्रॉम गिवन लेटर्स. कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है अच्छे से. अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो बिल्कुल भी आपको ये वर्क डिफिकल्ट नहीं लगेगा. ओके, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, फिर आपको जो भी वर्क कभी भी दिया जाएगा आपका अच्छे से वर्क हो जाएगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंशन द क्लास वर्क ऑन एयर. ओके, फर्स्ट लाइन में आपका क्लास वर्क होता है. सेकेंड थिंग इज़ यू हैव टू मेंशन द डेट properly, clear? And third thing and most important thing is note down the heading carefully like this. So first of all, read down the heading with me. WRITE, write, write means होता है लिखना. TWO, two, two means जानते ही हैं दो. WORDS, words, दो शब्द. ओके, एफ आर ओ एम, फ्रॉम मीन्स से. जी आई वी ई एन, गिवन, दिए हुए. एल ई डबल टी ई आर एस, लेटर्स मीन्स अक्षर. हिंदी में अक्षर बोलते हैं और इंग्लिश में उनको लेटर्स बोलते हैं. क्लास वर्क आपका क्या है आज का? राइट टू वर्ड्स फ्रॉम गिवन लेटर्स. राइट टू वर्ड्स फ्रॉम गिवन लेटर्स. कॉन्सेप्ट आपका हेडिंग से ही क्लियर हो रहा है. जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, राइट टू वर्ड्स, टू वर्ड्स राइट कीजिए. फ्रॉम से मतलब किस से? गिवन लेटर्स, जो लेटर्स आपको गिवन मीन्स दिए गए हैं. ये देखिए, आपको ये लेटर्स दिए गए हैं, इनसे आपको टू टू वर्ड्स राइट करने हैं. इज दैट क्लियर? टू टू वर्ड्स राइट करने हैं. कैसे राइट करते हैं, चलिए आइए देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल you have to read down the letter. What is written here? Very good. This is A. This is A. And आप लोग starting से reading करते आ रहे हैं. जितने alphabets हैं आप लोगों ने reading की है, sound words आप लोगों ने reading की है. Okay? And GK में भी आप लोग reading ही करते हैं. तो आपको कोई ऐसा word यहाँ पर write करना है जिसकी starting A से हो. कोई ऐसा वर्ड यहाँ पर राइट करना है जिसकी स्टार्टिंग ए से हो. एंड सेकंड वर्ड भी आपका ए से ही स्टार्ट होना चाहिए. ओके, क्लियर? यू हैव टू नोट डाउन द सेकंड वर्ड फ्रॉम द लेटर ए. ओके, हाउ टू राइट, लुक एट हियर वेरी प्रॉपरली, ध्यान से देखें. ए, ए फॉर क्या होता है सबको पता है. क्या होता है ए फॉर? होता है एप्पल. एप्पल की स्पेलिंग जिसको आ रही है वो एप्पल राइट करेगा, और जिसको एप्पल की स्पेलिंग नहीं आ रही है वो वही स्पेलिंग राइट करेगा जो उसको लर्न है. फॉर एग्जांपल, हम आपको यहाँ पर करा रहे हैं, आपको करना वही है जो आपको लर्न है. क्लियर? एप्पल की स्पेलिंग होती है ए डबल पी, पी आपका फोर लाइन में होता है पता है सबको, एल थ्री लाइन में एंड ई टू लाइन में. ए डबल पी एल ई, एप्पल, ए फॉर एप्पल. अब देखिए ये ए है और इस वर्ड की स्टार्टिंग में ही ए है. हैव यू क्लियर? समझ में आ रहा है आपको? ए से आपको वर्ड राइट करना है जिसमें सब स्टार्टिंग में जो लेटर आए वो ए हो. तो ए फॉर एप्पल हो गया. एंड सेकंड इज ए फॉर, बहुत सारे होते हैं जैसे कि ए फॉर एग्स, ए फॉर आंट, आप लोग नर्सरी से लर्न करते आ रहे हैं. ए फॉर एन, ए फॉर एम, रीड किया है ना आप लोगों ने साउंड वर्ड्स में. तो यहाँ पर कुछ भी हम राइट कर सकते हैं. तो ए फॉर हम राइट करेंगे एंट, ए एन टी, एंट. क्लियर? ओके, वेरी गुड. द नेक्स्ट लेटर इज डी. द नेक्स्ट लेटर इज डी.
अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो आप लोग भी बता सकते हैं एंड समझ में आ ही रहा होगा कि डी फॉर क्या होता है यहाँ पर राइट करेंगे एंड सेकंड वर्ड डी फॉर क्या होता है वो यहाँ पर राइट करेंगे। क्लियर? डी फॉर होता है डॉग, ओ साउंड वर्ड्स में आप लोगों ने रीड किया है डी ओ जी डॉग, डी ओ जी डॉग। एंड डी फॉर क्या होता है, छोटी स्पेलिंग राइट करेंगे जो आपको लर्न करने में इजी हो। डी फॉर डॉग होता है, डी फॉर डॉल होता है। एंड डी फॉर क्या होता है, डी आई एम डिम आप लोगों ने रीड किया होगा, डी ए एम डैम रीड किया होगा। तो अभी फिलहाल के लिए डी ओ डू भी होता है, वही हम राइट कर लेते हैं डी ओ डू, डी ओ डू, डी ओ डू। क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट लेटर इज जी। जी फॉर गर्ल होता है, स्पेलिंग आती है तो राइट करेंगे एंड आई नो आप लोगों को नहीं आती है इसलिए जी फॉर गर्ल नहीं राइट करेंगे। एंड जी फॉर क्या होता है, जी फॉर गुड होता है, जी फॉर गो होता है। और आप लोगों ने जो भी साउंड वर्ड्स में रीड किया है आप लोगों ने ए साउंड वर्ड, ई साउंड वर्ड, आई साउंड वर्ड, ओ साउंड वर्ड सब कुछ रीड किया है ना, यू साउंड वर्ड भी रीड करेंगे, अगर कर लिया है तो अच्छी बात है। तो जी फॉर आप लोगों ने क्या रीड किया है, जी फॉर आप लोगों ने रीड किया है जी ओ टी गॉट, रीड ऐसे राइट करेंगे जी ओ टी गॉट। एंड आप लोगों ने रीड किया है जी ई टी गेट। क्लियर? जी फॉर गेट भी होता है, जी फॉर गॉट भी होता है, जी फॉर गो भी होता है, जी फॉर गुड भी होता है, कुछ भी आप राइट कर सकते हैं जो स्पेलिंग आपको लर्न हो। एच फॉर क्या होता है, एच फॉर होता है हट। एंड एच फॉर क्या होता है, एच फॉर होता है हाउस, यही सब होता है ना। तो एच फॉर क्या किसको लर्न है वो मुझे नहीं पता, अभी आपको मैं लर्न करा रही हूँ, बहुत ही छोटी स्पेलिंग है एच फॉर एच यू टी हट, एच यू टी हट, एच यू टी हट। एंड एच फॉर होता है एच आई टी हिट, है ना अच्छी बात, आपको लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। एच यू टी हट होता है एंड एच आई टी हिट होता है। और अगर आपको कुछ और भी आ रहा है एच से तो आप लोग वो भी राइट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एच यू टी हट, एच आई टी हिट। ऐसे ही कोई भी वर्ड लेटर अगर मैम देंगी तो उससे आप लोगों ने साउंड वर्ड्स रीड किए हैं, अल्फ़ाबेट्स स्पेलिंग लर्न है, आप लोग अच्छे से उसको रीड कर सकते हैं एंड राइट कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आपको अब बिल्कुल भी डिफ़िकल्टीज नहीं होनी चाहिए किसी भी लेटर से टू वर्ड्स राइट करने में। क्लियर? ओके, प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।